5 दिन की दवाई आई है और बाकी ये 4 टमाटर यहीं पे भी रात चलते हैं, खाना बना देते हैं खुद के लिए। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल अभिनव चिराग रावत। और आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ, और वो शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चिराग भाई की हो गई थोड़ी तबीयत खराब। चिराग भाई को आ गया थोड़ा बुखार, आ रहा जा रहा कर रहा है, और साथ में पेट भी थोड़ा दर्द कर रहा है। तो चिराग भाई वैसे रेस्ट कर रहे हैं। चिराग भाई को मैं दवाई ला के दे दी है, और साथ में एक और सरप्राइज है। सरप्राइज क्या, बेसिकली अब आप खुद ही मैं उनसे मिलाता हूँ कि कौन आया। आप उनको जानते हैं तो बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ, मेरे लिए चिराग के लिए। तो हमारे घर आ हमारे छोटे भाई दीक्षांत जजेडी। दीक्षांत भाई, दीक्षांत भाई क्या हो गया भाई, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं ये देख रहा था यार, ये क्या चीज़ है, बड़ी वेस्ट पड़ी है, इतने दिनों से यूज नहीं हुई है। ये वेस्ट तो नहीं पड़ी है, बैंगलोर से डॉक्टर मंगाए चिराग भाई की तबीयत ठीक करने के लिए। अब ये घुमानी पड़ेगी उनके आजू बाजू, और उनकी तबीयत को चंगा मंगा करना पड़ेगा। सो हे गाइस, आई एम बैक टू दिल्ली फ्रॉम बैंगलोर। कितने दिन के लिए हैं? आई डोंट नो। क्यों आया हूँ वो भी नहीं पता। नहीं पता है लेकिन बताएंगे नहीं। बताता कोई नहीं है, इट्स अ सीक्रेट, लेट्स कीप इट सीक्रेट। तो क्या करने वाले भाई लोगों, सरप्राइज देख रहे हो, एनर्जी लेवल देख रहे हो, ये देखो बीमार पड़ गया आते भैया। चिराग भाई क्या हो गया? एक तो तुम ये आदमी ऐसा है, अभी मम्मी से बात कर रहा था तब तक यहाँ नहीं था। क्या भाई, तो यही तो सरप्राइज हुआ यार, हम सरप्राइज थे घर पे, मतलब मम्मी से बात करी मैंने, ऐसे पीछे खड़ा मेरे। तुम ऐसे आदमी हो, बिन बताए एक तो सरप्राइज देते हो यार, ऐसे दोस्त मिलेंगे आपको बताओ। मैम जो बिन बताए आते हैं सरप्राइज देते हैं, जिनकी तबीयत खराब है उनकी तबीयत थोड़ा भाई बात कुछ ऐसी है ना। अब निशान भी आ गया, मैं तो था चिराग भाई के साथ। अब चिराग भाई थोड़े मस्त हो जाएंगे, मस्त इन द सेंस तबीयत हो जाएगी ठीक, क्योंकि दीक्षांत कराना है कॉमेडी मस्त वाली हमारे को। अब मेरे ब्लॉग आएंगे, अच्छा बड़े कंटेंट आएगा। अरे भाई साहब जिंदगी इतनी सी है, थोड़ा हंस खेल के गुजारो। जितना टाइम मैं भी यहाँ पे हूँ ना अभी, कोई बात नहीं। कितने टाइम है तो मजे कर ही लेंगे, मजे कर लेंगे। हम लोग सोचेंगे टाइम यहाँ पे, मतलब बंद बताऊंगा वो चीज, वो आगे 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 बहुत कुछ है, बहुत कुछ है वो आगे पता लगता रहेगा। बाकी है क्या, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है कल से, संडे से काम का स्ट्रेस ज़्यादा लेने लग गया ना फिर से, अभी थोड़ा कम कर रहा हूँ। काम का स्ट्रेस ज़्यादा नहीं, काम बहुत अच्छा ना, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा वो लीन हो गया था काम पर। संडे की रात को, और उसके बाद संडे को मेरा बेस्ट डे था वैसे। क्यों, काम नहीं किया ना? नहीं, संडे का बेस्ट था वो, इसने बोला क्या खाएगा, मैंने कहा यार अच्छा बना दे, तो बनाना मेरा फेवरेट चीज, मैंने सिर्फ फेवरेट चीज बोली है, मटर मशरूम। मशरूम नहीं, हम बनाएंगे पनीर। हाँ पनीर, सेजवान चटनी वाली, सेजवान चटनी वाली पनीर। लोगों ने देखी भी नहीं होगी ना। अच्छा देखी भी, बिल्कुल देखी भी नहीं आज, और तो वो मैं नहीं बना रहा, ये बनाएगा जो गेस्ट आया ना, वो बनाएंगे भैया। ऑफिस कौन करेगा मेरे हिस्से का? ऑफिस को छोड़ो यार, अभी तो वहां था, तुम्हारा ऑफिस नहीं था। ऑफिस छोड़ो भाई, ऑफिस छोड़ो, आज तुम बनाओगे सेजवान वाला पनीर। इनके कंठ खोल ले ना जरा, दिमाग के घोड़े भी खोल ले, तब ये दौड़ेंगे बिल्कुल। अभी भाई साहब जा रहे हैं तो मैं जरा थोड़ी ग्रोसरी लेके आ जाऊँ, थोड़ा साग सब्जी लाना ना, साग सब्जी था। हाँ लाना भाई, जाऊँगी फिर लेके आनी है, मैं जानू चाहूँ। और चिराग भाई तो थोड़ा रेस्ट करेंगे, ये ऑफिस करेगा, मैं चलता हूँ आपको दिखाता हूँ मैं क्या ले रहा हूँ। टमाटर कैसे दिए? 50 रुपये। और प्याज आएगा खत्म, आधा किलो कर दो भैया टमाटर, आधा किलो कर दो। तो इधर ले ली मैंने 1 किलो भिंडी,
टमाटर आधा किलो से ऊपर है 600 ग्राम, और ये चिराग भाई के लिए स्पेशल मिर्चियाँ ली है। और अब लेते हैं प्याज। अंकल प्याज रह गया होगा, प्याज दे दो। और थोड़ा धनिया भी ले लिया, चिराग भाई ने बोला धनिया लिया ना, तो धनिया भी ले लिया। सारा सामान हो चुका है, 2-3 दिन का काम हो चुका हमारा। तो बेसिकली चिराग भाई के लिए दवाई ले रहा हूँ मैं, और चिराग भाई ने जिलेट भी मंगा लिया। तो यार तू गया तो था, क्या क्या लेके आया भाई? भाई और तू इतना सारा सामान लेके कैसा आया? भाई वहाँ अकेले अकेले ला भाई, पूरे पकड़ पकड़ के। और वो छोड़ रहा है, सबसे पहले तो आपके लिए दवाई लिया है, पूरा फुड़का देगा ना दवाई का, मेरा फुड़का रख लूँ यार। मैं 5 दिन की दवाई आई है, घेवर भी लाया हूँ। ऑन माय डिमांड घेवर भी आ गया मेरे लिए। धन्यवाद। गेस्ट भी आ रहे ना, तुम्हारे डिमांड भी था, गेस्ट का भी था, तो मैंने कहा मुंह मीठा करा यार, आओ दिखा दो तुम्हारा मुंह। नहीं खाओ खाओ नहीं खाओ। यहाँ आ चुके दवाइयाँ, ये दवाई, ये और ये सब दवाइयाँ हैं। 5 दिन की दवाई दे रखी दीदी ने, अभी ये खाएंगे और अपने आपको ठीक करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एक तो आंखों से पानी आ रहा है, एक तो क्या है कि बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है। तो आज मतलब मैं क्या ही बताऊं, ऑफिस में क्या ही हाल था मेरा। प्लस ये था कि मुझे लेने आ गया था तो बहुत अच्छा हो गया था, प्लस अब दीक्षांत भी आ चुका है, थोड़ी देर पहले ही आया है तो खाना बना रहा है। मुझे तब क्योंकि मेरी हालत नहीं है, मेरे मुँह फिर छाले हो गए, क्योंकि मैं बार आप लोगों को दिख रहा होगा मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो रूम में छाले फिर से हो गया है, पता नहीं क्या हो रहा है, कौन सी इम्यूनिटी वीक है मुझे समझ में नहीं आ रहा। और भाई भाई आजकल क्या ना वायरल चल रहा है यार, चक्कर ही है, तो तेरे को हिट कर गया होगा दोस्तों के बारे में ना, पिछले हफ्ते भी, अगले इस हफ्ते भी। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, अभी बहुतों को हो रहा, मेरे कई जानने वाले हैं, मेरे ऑफिस में भी हैं, तो उनको भी हुआ, बहुतों को तेरे को हो गया, तो वही चक्कर है, बट कोई नहीं, और वो तो आप हुई ठीक हो जाते हो। मैं बस लेटा हूँ शाम से, पापा मम्मी से बात करी, थोड़ा अच्छा फील हुआ, और अभी लेटा हूँ बढ़िया करके। लेटे लेटे क्या कर रहे हो भाई, ओआरएस भी तो पीना है। अरे ओ चिंगारी भाई, ये फोन वोन छोड़ दो जरा, छोड़ो उसको, पहले पी लो तभी ठीक। हेल्थ इज फर्स्ट। हाँ ऑफिस से जल्दी गाड़ी ले आए थे फोन चलाने के लिए, पिला ही ने क्या? छोड़ो तुम बिन बुलाए क्यों आ जाते हो भाई, क्या आ जाते हो तुम बिन बुलाए क्यों आ जाते हो कभी भी? भाई बिन बुलाए अपना घर है, अपने घर कोई पूछ के आता है क्या? बताना चाहिए कि आ रहे तुम्हारे लिए, खाना पहले से बना होता है। अरे हम एवर रेडी रहते हैं भैया, खाने की टेंशन मत लो, छोड़ो इनको, हम कहीं पे भी रात चलते हैं, खाना बना देते हैं खुद के लिए। ओआरएस पीना पड़ रहा है, ORS पीना पड़ रहा है, दस्त लग गए हैं बच्चे को। कोई नहीं कोई नहीं, बॉटम से मार लेना क्या इसका, इसको एकदम क्या बॉटम से लेना है, बॉटम बॉटम से लेना है ये बॉटम। नहीं नहीं इसको नहीं रखना, कितना सही बना ना बॉटम, पियो पियो एक घुट में पियो। हाँ वही 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 मतलब होता है। हाँ हिंदी कमजोर है हमारी थोड़ा। वेरी गुड या कैसा लगा नारंगी नारंगी फ्लेवर? अरे छोटे बच्चे इधर एक्टिंग कर रहे हैं, पहली बार पी रहे ORS, वाह मजा आ गया पेड़ो, मजा आ गया। अब तुम सही बिल्कुल एकदम मस्त करके, चलो लेट जाओ, अब लेट जाओ, तुम्हें खाना देंगे थोड़ी देर में, पहले तो डाइस कर इस। तो गाइस हमारा डिनर स्टार्ट हो गया, चिराग भाई को हमने खाना वाना खिला के दवाई वगैरह दे के मस्त सुला दिया है, ठीक है, तब उनकी थोड़ा ढीली चल रही है आज, तो हमने कहा चलो टाइम पे सुला देते हैं। तो आज मुझे तो और मैंने मिलके टेस्टी सा पनीर बनाया था, अपनी तारीफ कभी कभी कर लेनी चाहिए जब अच्छा बनाए तो। भाई टेस्टी सा पनीर फिनिश करते हैं फटाफट, और साथ ही साथ इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं, आज सोचा हम ही ये काम कर लेते हैं, कोई नहीं एंड तो कर रहे हैं, कल दोबारा से लेके आएंगे नया तड़कता भड़कता सा ब्लॉग। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर दिस वीडियो। गुड बाय।